इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। इसके लिए एक पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसके लिए मैंने लिया है बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग, खड़ा धनिया, काली मिर्च, जीरा, थोड़ा काजू डाले, कबाब चीनी, सहजीरा, लहसुन डाले, अदरक डाले। सरसों का तेल गर्म हो गया है। जो मैंने मसाले तैयार किए हैं मैं इसमें डाल रही हूँ। गैस की आंच धीमी रखें और इसे फ्राई करें। कटा हुआ हरी मिर्च और प्याज, इसके लिए मैंने पनीर लिया है और इसे कद्दूकस करें। कटा हुआ टमाटर डालें, इसे कवर करें। पनीर को कद्दूकस कर लिया है। यह फ्राई हो गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखें। पैन में सरसों का तेल डालें, कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें। मिक्सी की जार लिया है, इसे एक मिक्सी की जार में पैक करें और इसे ग्राइंड करें और इसे एक प्लेट में निकालें। एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। सरसों का तेल डालें, तेल गर्म हो गया है, तेज़पत्ता डालें, जीरा, ग्राइंड किए हुए मसाले, हल्दी पाउडर, हरा मटर डालें, फ्राई किया हुआ पनीर डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, ग्रेवी के लिए पानी डालें, थोड़ा और पानी डालें, हरा धनिया डालें। पनीर भुर्जी तैयार है। इसे लंच या डिनर में सर्व करें।